फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम फ़िश खटाखट बना रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है इसकी। इसके लिए मैंने एक तवा ले लिया है, ये स्ट्रेट तवा है। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, तेल डाल दिया है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ की, जो काफ़ी बड़ी साइज़ की प्याज होती है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, या 2 दरमियानी प्याज भी आप ले सकते हैं। इनको काट के तेल में डाल दें। प्याज को हमने इतना सौते करना है कि इसमें कलर ना आने पाए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये लालू खेत की मशहूर रेसिपी जो सबको बहुत पसंद है, फ़िश खटाखट, उसी वही बना रही हूँ मैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भर के अदरक पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसके लिए मैंने सुरमई फ़िश ले ली है और ये बोनलेस फ़िश है और ये छोटे पीसेस में है। ये देखें, ऐसे छोटे पीसेस में है और इसको मैंने डाल देना है। ये 1/2 किलो है फ़िश और इसको हम अच्छे तरीके से तवे पर ही मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सिर्फ ड्राई ही रहती है। इसको अच्छे तरीके से कुक कर लें फ़िश को, और फ़िश का जितना पानी है वो इसमें ड्राई हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 चाय का चम्मच इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। अभी देखें, साथ तमाम हमारा पानी इसमें से ड्राई हो रहा है। अब हमने इसमें काली मिर्च डाल दी 1/2 चाय का चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे हम। 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। ये गरम मसाला डाल दिया है हमने और 1/2 चाय का चम्मच इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। इसको डाल के अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। देखें कितने मज़े की लग रही है, टेम्पटिंग, दिल चाह रहा है कि फ़ौरन ही खाने शुरू हो जाएं आप लोग। और ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और देखें, है भी बहुत आसान रेसिपी है। और अब इसमें हमने आखिर में जो है हरी मिर्चें, मोटी वाली, उसको बारीक काटा हुआ है मैंने, ये डाल रही हूँ। ये 3 से 4 मैंने ले ली थी, इनको डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी बनाना है इसको, तो थोड़ी सी मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। और आखिर में इसमें हरा धनिया और नींबू निचोड़ लूँगी मैं। और ये हमारे खटाखट फिश बिल्कुल रेडी है। आखिर में बस हमने इसमें लेमन डालना है, ये तैयार हो गई है। इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।